नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। वक्त ताबड़तोड़ खबरों का है, लेकिन उससे पहले एबीपी गंगा की एक और चुनावी क्रांति आपको दिखाते हैं। टीवी इतिहास में पहली बार अंसारी ब्रदर्स एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव होंगे। पूर्वांचल के सियासत के दो बड़े चेहरे पहली बार टीवी के पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं। ये चेहरा बसपा के सांसद अफजाल अंसारी और सपा नेता सिबकतुल्ला अंसारी का है। रिश्ते में दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों की सियासी राह अलग है। आपने आज तक दोनों भाइयों को एक साथ अपनी अपनी पार्टियों के एजेंडे पर आमने सामने बात करते हुए जरूर देखा होगा। आज ऐसा पहली बार एबीपी गंगा पर होने जा रहा है और अफजाल अंसारी और सिबकतुल्ला अंसारी से एक खास बातचीत की है एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल ने। टीवी पर पहली बार देखिए अंसारी ब्रदर्स का एक्सक्लूसिव। टीवी के पर्दे पर पहली बार परिवार के बीच दलों वाला दंगल। सिबकतुल्ला अंसारी और अफजाल अंसारी आमने सामने, अंसारी ब्रदर्स एक्सक्लूसिव। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं रोहित सावल और मैं गाजीपुर में मौजूद हूं और गाजीपुर में मैं अंसारी परिवार के घर पर मौजूद हूं। और देखिए, ये बड़ी अलग तस्वीर, आपको शायद ऐसी तस्वीर आपने टेलीविजन पर पहले देखी होगी। ये सिबकतुल्ला अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। और मेरे इस तरफ आप देखिए अफजाल अंसारी साहब मौजूद हैं, बसपा के सांसद हैं और एक ही घर में रहते हैं। हालांकि अफजाल अंसारी साहब ऊपर वाली मंजिल में और आप नीचे वाली मंजिल में रहते हैं। तो बताइए, गठबंधन तो टूट चुका है सपा और बसपा का, लेकिन ये गठबंधन चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? ये दिलों का गठबंधन है। ये दिलों का है, लेकिन सियासी गठबंधन, मतलब सियासी राहें अलग अलग क्यों आपने की सिबकतुल्ला अंसारी साहब? क्योंकि ये तो मैं आप ही से सवाल पूछूंगा। वक्त का तकाजा था जी, वक्त की आवाज थी यही। तो आपको आपको क्या लग रहा है कि अभी तो चुनावों में है, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तो क्या लग रहा है आपको कि आपकी पार्टी सत्ता में लौटेगी? बिल्कुल लौटेगी। क्या वजह आपको लगती है? जो सत्ता में दल है जी, उससे सभी लोग ऊब चुके हैं जी, उनके झूठे वादे, उनके जुमलेबाजी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, जुल्म ज्यादती से जी, जिसको चाहा माफिया बना दिया, जिसको चाहा मसीहा बना दिया, ये सब उनके कारनामों से जनता बिल्कुल नाराज है। ठीक है, और वो परिवर्तन चाहती है और यही बात आप लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। लेकिन ये बात आपने अफजाल अंसारी साहब को नहीं समझाई कि साहब आप भी आ जाइए क्योंकि आप बसपा में? जी, नहीं समझाई। वक्त आएगा। अच्छा, वक्त आएगा अभी आपको लगता है उम्मीद है? अफजाल अंसारी साहब बताइए, देखिए आपके बड़े भाई साहब समाजवादी पार्टी में और आप बसपा में हैं और ये परिवर्तन की बात कह रहे हैं, आप भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप कह रहे हैं बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बताइए क्या लग रहा है आपको कि आपकी जो पार्टी है बसपा, उसका राजनीतिक भविष्य कैसे देखें अभी 22 में? चुनाव आयोग ने चुनाव के सिलसिले में स्पष्ट कर दिया है, तो अब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इसके संबंध में जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, इसका मार्गदर्शन सबको देंगी जी। और जो मीडिया के सामने रखने वाली चीज़ें होंगी वो उन्हीं के स्तर से होंगी जी। अब सबको ये अधिकार नहीं है कि बीएसपी को स्ट्रेटजी को मीडिया में इस तरह से खुलासा किया जाए जी, लेकिन हमें भरोसा है कि हम सर्व समाज को लेके चलने वाली पार्टी है जी। तो इस संकल्प के साथ कि पांचवीं बार फिर बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस दिशा में काम चल रहा है। देखिए, सिबकतुल्ला अंसारी साहब कह रहे हैं कि वक्त का तकाजा था, इन्होंने अपना ये फैसला लिया, तो आप ये ऊपर की मंजिल से सीढ़ियाँ उतर के नीचे भाई साहब के पास भी चले जाते कि आप कमाल है, कहाँ जा रहे हैं? देखिए, वो सियासी फैसले सब अपने मिजाज से लेता है जी। रिश्तों की डोर जी और सियासत के प्लेटफार्म जी दो जुदा चीज़ें हैं जी। हमारे बड़े भाई हैं और उस नाते उनका जो अदब है, जो बात है, उसका एहतराम है जी। लेकिन
जो सियासी तरीके हैं, सियासी समझ है, उसका अपना अलग अंदाज है जी। आप जी। आपने एक ऐसा संजोग बना दिया जी। और चूंकि आप एक देश के माने जाने इतने बड़े चैनल फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो तीन सबसे ऊपर के नाम हैं उनमें आप लोग हैं, तो आपके आने के लिहाज में भी जी। हमें एक जगह इकट्ठा होना पड़ा, खड़ा होना पड़ा जी। और घर तो यही है, चूंकि ये बाप दादा का घर है, हमारा घर नहीं है, इनका घर नहीं है जी। तो अब बाप दादा नहीं रहे, इस नई जनरेशन में हम लोग सब अपने अपने मिजाज से करते हैं, सियासी प्लेटफार्म जुदा है और बाकी हम जुदा नहीं हैं जी। चलिए, ये बात इन्होंने भी कही और शायद यही ताकत है आपके परिवार की। सिबगतुल्ला साहब, ये बताइए कि चुनाव कौन सी सीट से लड़ेंगे, अभी तय कर लिया है या अब तय होगा, क्या होगा जी? मोहम्मदाबाद 378, यही से चुनाव लड़ेंगे। और मुख्तार भी अगर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, मुख्तार के भी चुनाव लड़ने की, उस पर आपका क्या कहना है? वो मऊ से ही विधायक है, वहीं से उन्हें भी लड़ना है जी। अच्छा, आपने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में, क्या बड़ा मुद्दा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है वो बेरोजगारी और महंगाई, हर क्षेत्र की महंगाई जी, तेल से लेके, पेट्रोल से लेकर के और ज़रूरी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की चीज़ों तक की महंगाई, और भ्रष्टाचार जो आज चरम पे है जी, वो अब बेरोजगारी, हमारे नौजवानों की उम्रें ख़त्म हो गई, कोई 5 साल भर्तियां नहीं निकली, 5 साल कोई वैकेंसीज नहीं, बल्कि लाखों क्या और लगभग करोड़ों की तादाद में प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले हमारे इलाके के लोग बेरोजगार हो के आज घरों पे जी, वो सारे दर्द का बदला अपने लेना चाहते हैं। तो चुनाव प्रचार कब से शुरू हो रहा है आपका? हो रहा रोज हो रहा। अच्छा, आप पूरा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आप ये बताइए, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बसपा के सांसद देख रहे हैं कि आप किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वो अपनी रणनीति आपकी तरह से बना लेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? वो जिसकी रणनीति जनता पसंद करेगी। आपका कहना है कि अफजाल अंसारी की रणनीति पसंद नहीं करेगी यहाँ मोहम्मदाबाद में, आपकी रणनीति इस वक्त काफी जनता को जांचनी है जी, और वो जिसके सही जवाब होंगे उनको जांच के नंबर देगी जी। ये जो कह रहे थे कि ये इनकी नेता अपनी रणनीति कहीं बाहर नहीं बताते हैं, चुपचाप रणनीति, आपका कहना है कि आप चुपचाप रहिए, आप बनाते रहिए रणनीति, आप मैदान मार जाएंगे, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, जो नहीं नहीं, आप बताइए पहले, मुझे बता दीजिए आप नेता तो 5 ही मिनट का ही है, एक मिनट और एक मिनट नेता की रणनीति के बारे में बता सकता हूँ जी, नेता के बारे में मुझे कहने कोई हक नहीं। अफजाल भाई देखिए, बताइए, इन्होंने सिबगतुल्ला अंसारी साहब ने साफ कर दिया है कि आप चुपचाप जो रणनीति बना रहे कमरे आप बनाते नहीं, नहीं आप समझिए जी, गाजीपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र है जी, संजोग से जहां आप खड़े हैं जी, ये मेरे लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है जी, जो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है जहां से मैं सांसद जी हूं, जी ये मेरा गृह क्षेत्र है जी, लेकिन लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर में जमानिया, सैदपुर, जखनिया, जंगीपुर और गाजीपुर सदर विधानसभा है, तो उन क्षेत्रों में तो मैं एक उसी क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते जो कुछ हो रहा है अपनी पार्टी के कार्यक्रम जैसे जैसे वो हम करते रहते हैं, जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसको भी करते हैं। पहले ये क्षेत्र मेरा था जी, अब तो ये परिसीमन में ये बलिया का हिस्सा हो गया, यहाँ से वीरेंद्र मस्त जी संसद सदस्य हैं जी, और इस क्षेत्र से बीजेपी की ही विधायक भी हैं जी, अब इस सीट पे हमारे बड़े भाई साहब भी 2 बार यहाँ विधायक रहे हैं जी, और फिर इस बार किस्मत आजमाने के लिए अपने तरीके से विचार करके इन्होंने, वैसे क्षेत्र में जो आम चीज़ें हैं वो सामने होगा, अभी कैंडिडेट तय नहीं है बीजेपी का जी, तो बीजेपी के कैंडिडेट सीटिंग होते हुए भी उन्हीं की पार्टी की तरफ से कई और लोगों ने दावा कर रखा है,
तो पता नहीं क्या होगा, कौन आएगा, कैसे आएगा। देखिए अफजाल भाई, बीजेपी ने तो कैंडिडेट आपने कहा कि जो है जीता हुआ वो है या नहीं है, क्या होगा, लेकिन सपा का उम्मीदवार आपके घर के आंगन में आपके सामने आपको चुनौती दे रहा है, बताइए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं। ठीक है, ये है बीजेपी, ये एक यथार्थ है, ये एक परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों का सामना किया जाएगा। वाह क्या बात है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर जी। हाँ चलिए, बिल्कुल मैं इस बातचीत को ये सचमुच में कहूँगा कि मुझे लगता है जहाँ तक मेरी याददाश्त है शायद ही दोनों लोग एक साथ बातचीत की हो किसी न्यूज चैनल पर, ऐसा पहले कभी हुआ हो, शायद ऐसा पहले कभी हुआ हो, क्योंकि अफजाल अंसारी साहब छोटे भाई हैं और छोटे भाई बड़े भाई का बहुत लिहाज करते हैं, आपके सामने मैंने सुना शर्म शर्म भी करते हैं ऐसे सामने आने से, ऐसा ऐसा है सिकबतुल्ला अंसारी साहब? जी 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 सर। देखिए अफजाल अंसारी साहब कह रहे हैं कि मैं इंटरव्यू को खत्म कर दूं क्योंकि मैंने दोनों से इजाजत ली थी कि मैं चाहता हूं कि एक साथ बात करें, क्योंकि देखिए ये राजनीति का हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि आप एक परिवार में हैं, बिल्कुल आपकी सियासी राहें अलग अलग हो सकती हैं, आपकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हाँ जो दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, वो रहेगा ही और वो मजबूत है, और यही स्थिति यहाँ पर है। तो सिब्बतुल्ला अंसारी साहब चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से और बसपा का चुनाव प्रचार करेंगे अफजाल अंसारी साहब, इन्होंने ये भी साफ कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, देखिए मैं आपको ये भी बता दूँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनाव ऐसी चीज़ है जो आपको दिख रहा है वो है नहीं, और जो जो है वो आपको दिख नहीं रहा, ये स्थिति। और लेकिन एबीपी गंगा आपको वो दिखाने की कोशिश लगातार करता रहेगा जो शायद नहीं दिखता हो। तो फिलहाल गाजीपुर से इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बड़ी जानकारी आपको दे दें, गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट से बसपा ने मनवीर भाटी को टिकट दिया है, इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, और कांग्रेस ने भी दीपक भाटी को टिकट दिया। खबरों के मुताबिक सपा फकीर चंद नागर पर खेल सकती है दांव, तो ये बड़ा ऐलान हो चुका है, कांग्रेस ने दीपक भाटी को टिकट दिया है खबरों के मुताबिक, जहां ये भी बताया जा रहा है कि सपा फकीर चंद नागर पर अपना दांव खेल सकती है, जहां दोनों ही पार्टियों के ये कुछ बड़े चेहरे हैं और अपना जनाधार रखते हैं, समाजवादी पार्टी फकीर चंद नागर पर ये दांव चल सकती है। पहले चरण के लिए आज से शुरू हो रहा है नामांकन, पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट, पहली बार ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर पाएंगे प्रत्याशी, जुलूस छोड़ सिर्फ दो लोगों के साथ नामांकन की इजाजत। यूपी के लिए भाजपा के तीन चरण के उम्मीदवारों के नाम तय, 170 से ज्यादा नामों पर बनी सहमति, कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय हुए नाम। तीन चरणों के लिए भाजपा उम्मीदवारों के नाम का कभी भी ऐलान संभव, सीएम योगी सहित अन्य उम्मीदवारों के सीटों का ऐलान हो सकता है। चुनावों से पहले आज एक और लिस्ट जारी करेगी सपा, पहले और दूसरे फेज के और उम्मीदवारों के नामों का किया जाएगा ऐलान, कल 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम किए गए थे घोषित। यूपी भाजपा में लगातार इस्तीफों का दौर जारी है, लखीमपुर से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने भी छोड़ी बीजेपी, अखिलेश से मुलाकात के बाद दिया इस्तीफा। योगी सरकार के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने दिया इस्तीफा, आयुष मंत्री ने भी दलित पीड़ितों की उपेक्षा का लगाया आरोप। इस्तीफे के बाद बोले धर्म सिंह सैनी, कहा 20 जनवरी तक हर रोज होंगे इस्तीफे, अभी कई मंत्री और विधायकों के इस्तीफे बाकी हैं। देखिए आज तीसरा दिन है, इस्तीफा देने का आज तीसरा दिन है, इसी तरह रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक, एक प्रतिदिन एक मंत्री, तीन चार विधायक रोज इस्तीफा देंगे। कुछ वक्त में ही अपनी बात से पलटे धर्म सिंह सैनी, कुछ दिन पहले कही थी भाजपा में ही रहने की बात, अब दिया इस्तीफा। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी विनय शाक्य ने भी छोड़ी बीजेपी, औरैया के विधुरा विधानसभा सीट से विधायक हैं विनय शाक्य।
फिरोजाबाद में भी भाजपा को बड़ा झटका। शिकोहाबाद सीट से विधायक मुकेश वर्मा ने छोड़ी भाजपा। स्वामी प्रसाद के समर्थन में इस्तीफे की कही बात। दलितों, पिछड़ों, किसानों की उपेक्षा का भी लगाया आरोप। भाजपा से इस्तीफे के बाद विधायक मुकेश वर्मा का दावा, हमारे साथ 100 विधायक, भाजपा को रोजाना लगेगा इंजेक्शन। भाजपा में दलित, पिछड़ों का सम्मान ना होने का भी आरोप लगाया। शोषितों का हित हो, पीड़ितों का हित हो, पिछड़ों का हित हो, अल्पसंख्यक का हित हो, बेरोजगारों का हित हो, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के देशवासियों का हित हो, वहां रहना। आपने एक ट्वीट की। भाजपा पर स्वामी प्रसाद मौर्य का करारा हमला। भाजपा और आरएसएस पर ट्वीट कर साधा निशाना। कहा, नाम रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को यूपी से खत्म कर दम लेगा स्वामी रूपी नेवला। जो लोगों का हक निकलेगा वो अजगर होगा, नाग होगा, सांप होगा, और नाग और सांप को खत्म करता है नेवला ही। इसलिए मैंने ट्विटर पर डाला है कि नाग रूपी आरएसएस, सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर बोला हमला, चुनाव में निस्तानुभूत करने की कही बात। हम तो ये कहते हैं, हम तो तब तक चैंस नहीं बैठेंगे जब तक उत्तर प्रदेश की धरती से भारतीय जनता पार्टी को निस्तानुभूत नहीं कर देंगे। आज भाजपा के बागी थामेंगे सपा का दामन। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी लेंगे सपा की सदस्यता। 6 विधायक भी आज औपचारिक रूप से सपा की साइकिल पर होंगे सवार। और गाजियाबाद में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह कल गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बूस्टर डोज लगवाई और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी शक्ति सिंह ने। लहर बहुत तेजी से आ गई है। वहीं गाजियाबाद के संयुक्त अस्पताल में पहुंचे हैं डॉक्टर जनरल वीके सिंह व उनकी धर्मपत्नी। आज उन्होंने प्रिकॉशन के तौर पर तीसरी डोज लगवाई है। सर, जो प्रिकॉशन आपने डोज ली है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार की तरफ से निर्देश आया है कि 60 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको प्रिकॉशनरी डोज एक लगवानी चाहिए। उसके हिसाब से हमने आज प्रिकॉशनरी डोज लगवाई है और हमें आशा है